पॉजिटिविटी आती है, इसीलिए एंट्रेंस के पास कभी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। एक और कॉमन इशू जो आता है, जो जो भी लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके साथ आता है, शू रैक का, वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है कि शू रैक शूज अंदर जाते नहीं है और इतनी स्पेसेस होती नहीं कि आप शू रैक को कहीं और रख पाओ, तो हम चाहें या न चाहें, लाइकली और अनलाइकली, शू रैक हमेशा एंट्रेंस के पास ही होती है। आइडियली एंट्रेंस के पास शू रैक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जूते क्या होता है, बाहर की नेगेटिविटी को लेकर के आ रहे होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से पता नहीं हम जमीन में चल के जाते हैं कितनी सारी एनर्जीज को लेकर के जा रहे हैं, वो सारी एनर्जीज जो है हमारे घर के दरवाजे पे आके इकट्ठी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसका क्या तरीका है, शू रैक इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विच वी कैन नॉट अवॉइड, तो हमें बंद वाला शू रैक बनाना चाहिए, ठीक है, क्लोज शू रैक बनाना चाहिए एंट्रेंस के पास। अगर रखना मजबूरी है तो बंद, जिसमें शूज दिखाई ना दे, ओपन शू रैक कभी मत रखिएगा, और फैले हुए जूते चप्पल घर के बाहर कभी नहीं होने चाहिए, नेवर एवर, कभी भी नहीं होने चाहिए फैले हुए जूते चप्पल, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप उस शू रैक के ऊपर यू कैन पुट सम फ्लावर्स ओवर देयर टू मेक इट मोर पॉजिटिव, उसको आप पॉजिटिव करने के लिए आप उसको कोई प्लांट प्लांट्स उस पर रख सकते हो, थोड़ा सा ये पॉजिटिविटी हो जाएगा कि आपको भी घुसते हुए बुरा ना लगे, आपको भी अनइजीनेस फील ना हो, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। एक चीज और जो ध्यान देने वाली होती है, जो बहुत बड़ा सोर्स होता है नेगेटिविटी का, नेगेटिविटी या प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, दैट इज क्लटर, कबाड़ भंगार, ठीक है, जो कि हमारा ध्यान ही नहीं देता। क्लटर में खाली यानी कूड़ा, क्लटर का मतलब ये होता है वो चीज़ें विच यू आर नॉट यूजिंग सिंस लॉन्ग, जो कपड़े जो भी सामान आपका आप यूज ही नहीं कर रहे हो बहुत समय से, वो भी क्लटर में आते, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लटर ओनली, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी कोई भी अनयूज चीज़ें जो आपको यूज ही नहीं करनी है, वो आपको हमेशा डिस्पोज कर देनी चाहिए। कुछ लोगों में आदत होती है पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करके रखे रहते हैं, निकालते नहीं है, वो बहुत बड़ा सोर्स अनहैप्पीनेस का होता है, ठीक है। घर पे पुरानी वाइफ रहे तो सर हस्बैंड भी तो पुराना होता है सर, पॉइंट है, हस्बैंड एज में ज्यादा बड़ा होता है, चेंज कर लो सर, पुराना होता है सर, सुनिए मेरी बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना, वो बच्चों से पूछ रहे थे। अच्छा, देखिए हस्बैंड वाइफ को तो चलेगा, लेकिन बच्चों को क्या, पेरेंट्स नए चलेंगे पुराने चलेंगे, उनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, वो सही बता सकते हैं। कोई बच्चा ये कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे नहीं चाहिए, वो हमेशा कहेगा पेरेंट्स से नहीं मम्मी चाहिए क्या ये भी, और ये भी पूछ लेना पापा भी चाहिए नहीं चाहिए, पापा नहीं, पापा यही सही है, मम्मी चिल्लाती है पापा नहीं चिल्लाती, सब प्यार भी मम्मी करती है पापा को नहीं बच्चों को, जैसे मैंने बताया ब्लू ब्लैक कलर साउथ ईस्ट में, वाटर बॉडी बोरिंग साउथ और साउथ ईस्ट में, फाइनेंस और कंसीविंग की भी प्रॉब्लम, कंसीविंग मतलब जैसे चाइल्ड इश्यूज होते हैं ना कि कई बार जैसा कि भाई कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो वो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, अगर कहीं पर ऐसा है कि कहीं पर लगे कि भाई कंसीविंग ही नहीं होती, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है, तो देट कैन बी वन, दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न फॉर देट, तो इसको भी जरूर चेक करना चाहिए। और फीमेल हेल्थ, अगर कहीं पर लेडीज़ को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो ये जरूर देखना चाहिए। आई वॉज टॉकिंग अबाउट क्लटर, एक चीज़ हमें ध्यान रखिएगा, अभी क्या हो गया हम लोग के पास ना बॉक्स बेड्स है आज की तारीख में, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती तो स्टोरेज के लिए बॉक्स बेड बनाते हैं, तो आपके बॉक्स बेड में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड कुछ नहीं होना चाहिए, आपके बेड में अंदर ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, आपके बेड में कोई भी किसी कोर्ट केस से रिलेटेड फाइल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना इंसोमेनिया होता है, लोगों को सो नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती, या सपने बहुत खराब खराब आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है।